चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर कवर्धा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पर भोरमदेव अभ्यारण्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बड़ी तादाद में दवाइयों का जखीरा मिला है। बता दें कि सर्दी खांसी और बुखार के मरीजों को दी जाने वाली यह दवाइयां सरकारी संस्था CGMSC की तरफ से सरकारी हॉस्पिटलों में वितरित की जाती है। बड़ी मात्रा में जंगल में इन दवाओं के मिलने के बाद यह चर्चा का विषय बन गई है। बता दें कि जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर भोरमदेव अभ्यारण्य नक्सल प्रभावित मादाघाट के जंगलों में बड़ी संख्या में प्रोमेक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, पैरासिटामोल, प्रोमेथिजीन, मल्टीविटामिन सिरप और एरिथ्रोमाइसिन पैरासिटामोल की गोलियां पाई गई है। इन सभी दवाओं में CGMC की सील और मार्क भी लगा हुआ है। खांसी की म्यूकोलोटी और सिरप बोमरेसिन हाइड्रोक्लोराइड का बैच नंबर, उत्पादन तिथि और सारी एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई है।